नेटो ने डोनबास रेफरेंडम को नाजायज कहा। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करें। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने दुनिया से की अपील। स्टोल्टनबर्ग ने यूक्रेन को ज्यादा समर्थन देने की अपील की विद द विजुअल्स। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, नेटो के बाद बड़ी खबर है, जनमत संग्रह वोटिंग को मान्यता नहीं देगा जर्मनी। इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। डोनबास रेफरेंडम पर ओलाफ शोल्ज की कड़ी प्रतिक्रिया। रूस का यह कदम अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ, शोल्ज ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रेफरेंडम पर फ्रांस की भी कड़ी प्रतिक्रिया। दिखाइए, इमैनुअल मैक्रों ने रेफरेंडम को सिनिकल और पैरोडी कहा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसे स्वीकार नहीं करेगा, मैक्रों ने कहा। सीधे आइए, रेफरेंडम का जो लेखा जोखा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखें आप, ये बहुत बड़े फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। वेल मेड ग्राफिक्स। यहां पर डीपीआर और एलपीआर ने रूस में विलय पर रेफरेंडम की इच्छा जताई है। ओके, 23 से 27 ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। नंबर तक विलय पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। खेरसोन और ज़ेपोरिजिया में भी रेफरेंडम के लिए तैयार हैं। चारों में से किसी इलाके पर रूस का पूरी तरह नियंत्रण नहीं है, पूरी तरह नियंत्रण नहीं है। कितना हिस्सा खो सकता है यूक्रेन? अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमारे दर्शक जरा ध्यान से देखें। अगर रेफरेंडम हुआ तो यूक्रेन का कितना हिस्सा जाएगा? रूस के कब्जे में यूक्रेन का करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा, यूक्रेन का लगभग 15% हिस्सा रूस के कब्जे में है। हंगरी या पुर्तगाल के बराबर एरिया रूसी कब्जे में, क्रीमिया पहले से ही रूसी कब्जे में है। कुल मिलाकर यूएस स्टेट पेंसिल्वेनिया के बराबर का एरिया पर रूस कब्जा कर लेगा। और इसमें एक बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट क्या है, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल सर अनुज माथुर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा जो इसमें सबसे बड़ा लूप है, जो सबसे बड़ा हुक है, उसकी ओर ध्यान लोगों का जाए तो बहुत जरूरी है। अगर यह रशिया का पार्ट हुए और इस पर यूक्रेन ने हमला किया तो रशिया यह कहेगा कि यह रूस के ऊपर हमला है और वो इसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जो कि है बेसिकली यूक्रेन का हिस्सा। और फिर वेस्ट वर्सेस रशिया आउट इन ओपन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये असल में देखिए, शुरू से ये आप देखें, फरवरी में ही इन्होंने इन दोनों स्टेट्स को, एलपीआर और डीपीआर को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। अब वो चाहते हैं कि इसका रशिया में विलय हो जाए। लेकिन मैं ये सवाल यही रहेगा कि कौन चाहता है? जो सरकार है, क्या वो सरकार पॉपुलर गवर्नमेंट है? क्या वो वहां पर इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए सक्षम है वो सरकार? ये बात सोचने की है। कितने लोग यहां से लड़ाई की वजह से निकल करके बाहर चले गए हैं जो कि यहाँ के रहने वाले हैं और इस रेफरेंडम का उनको हिस्सा होना चाहिए था? तो मेरा ये मानना है कि ये रेफरेंडम आउट एंड आउट शैम रेफरेंडम है और ये रेफरेंडम बंदूक के जोर पर कराया जाएगा और जो रशिया चाहता है वही इस रेफरेंडम का परिणाम निकलेगा। मुझे नहीं लगता कि इस रेफरेंडम को कोई भी देश इसको मान्यता देने वाला है, जैसे कि कई कंट्रीज ने ऑलरेडी कह दिया है कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। और क्रिमिया को भी आज तक किसी ने पूरी तरह से मान्यता नहीं दी है कि वो रूस का हिस्सा है। तो ये बात हमको मानने की आवश्यकता है कि ये रेफरेंडम मुझे लगता है कि शैम और अंडर प्रेशर होगा और इसको इसके इसका कोई परिणाम मान्य होना नहीं चाहिए। मेरा ये बात पॉइंट टेकन सर। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।